हाय दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू और ये बहुत ही कम समय में झटपट बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए मैं एक कटोरी ली हूँ। इसे मैं 2 कटोरी बुरादा और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी ली हूँ। और इधर मैं एक पैन रख दी हूँ। पैन गर्म हो गया तो 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें गरी का बुरादा डालकर इसे हम भून लेंगे और इसे स्लो आंच पे भूनेंगे। आप चाहें तो इसे बिना भुने भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं अलग तरीके से बता रही हूँ। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, लगभग हमें 3 से 4 चम्मच लगा है दूध 2 कटोरी बुरादा में। तो इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब गरी का बुरादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके, एक बात ध्यान रखिए, स्लो आंच पे ही सब कुछ पकाना है। तो हम चीनी मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ, इसे डाल दूँगी। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो स्किप कर दीजिए और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम यहीं पर ये थोड़ा सा काजू बादाम और पिस्ते को मैं पीस ली हूँ, इसे भी डाल दी हूँ। नहीं है तो नहीं डालिए, इसकी जगह आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं या केसर। अगर कुछ भी नहीं है तो उसके बिना भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे। आप मिल्क पाउडर की जगह दूध के ऊपर की मलाई भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गया है, ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो ये देखिए, हल्का गर्म है, गुनगुना गर्म। अब हम 1 चम्मच से इसे हम निकाल लेंगे। 1 चम्मच से निकालने से सारे लड्डू एक साइज़ के बनते हैं, इसीलिए, नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना झटपट हमारा लड्डू बन जा रहा है। हम ऊपर से ये गरी का बुरादा कोट कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हम सारा लड्डू बना लेंगे। इस लड्डू को बनाने का समय टोटल 15 मिनट शुरू से लेकर लड्डू बांधने तक का है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए, इसी तरह से हम सारा लड्डू बना लिए हैं और ये लड्डू खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये घर पर बना है। और इसमें सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं, जैसे गरी के बुरादे का भी, खोए का भी और मेवे का भी। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये इतना टेस्टी लगता है कि बच्चे मांग मांग कर खाएँगे। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।